बनो एंजॉय कर रहा है एंग्री बर्ड्स। बनो बनो हाय टू फ्रेंड्स नो हाय टू फ्रेंड्स वी आर ऑल सेट गाइस। फाइनली बोट हमने कर लिया है और बस अब थोड़ी देर में फ्लाइट हमारी निकल जाएगी। तो कैच यू अप गाइस वंस अगेन, वहाँ पहुँच के आपको फिर से मैसेज डालूँगा। साढ़े पाँच हो रहे हैं कनाडा के टाइम के हिसाब से और हमारे यहाँ के हिसाब से 3 बज रहे होंगे इस टाइम पे। इसने खतरनाक मचा रहा था, एकदम चिल्ला चिल्ला के एकदम भयंकर। बस 9 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं टू मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल के बाद फिर 7 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है हैलिफैक्स में, तो वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी 9 मिनट हैं अपने को पहुँचने के लिए। तो गाइस हम लैंड कर गए हैं, लैंड करने के बाद बाहर भी आ गए हम लोग। बाहर का नज़ारा देखो, पूरा स्नोफॉल। इसी प्लेन से अभी जस्ट हम आए हैं, अभी जो प्लेन सामने खड़ा है और पूरा स्नोफॉल है, एक जगह भी खाली नहीं है। देखो हे गाइस, फाइनली मॉन्ट्रियल तो पहुंच गए थे, अभी बैगेज भी रखवा दिए हैं, अब सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जा रहे हैं हैलिफैक्स की। फिर कुछ खाएंगे पिएंगे और बैठेंगे क्योंकि फ्लाइट हमारी बहुत लेट है। या एंड ये बनी महाराज को देख लो, इनको इनकी एक फ्रेंड मिल गई, ये खेलने लग गए उसके साथ, और बाहर इतनी गंदी वाली बर्फ गिरी हुई है। तो बस यार अपना टाइम ऑलमोस्ट हो गया है और बस हम यहाँ से निकलेंगे अपना हैलिफैक्स के लिए। फ्लाइट अपनी रेडी है एयर कनाडा की टू हैलिफैक्स फ्रॉम मॉन्ट्रियल। तो बस निकलते हैं और वहाँ जाके कुछ अपलोड करेंगे, फिर उनका जो मिस हो गया है उसे कैप्चर करेंगे और सारी चीज़ डालेंगे एक साथ एक ही ब्लॉग में। चलो गाइस, फाइनली हम हैलिफैक्स के लिए बोर्ड हो रहे हैं एंड ये हरीश बोर्डिंग पास रेडी कर रहे हैं विद पासपोर्ट। फाइनली मॉन्ट्रियल से निकल रहे हैं हैलिफैक्स के लिए। होटल ना, ये अभी जस्ट अपनी कार बुक कर ली है यार, अब बस निकल रहे हैं हम लोग इसमें। थैंक यू। तो गैस बस हम लोग अब यहाँ से निकल गए हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट और जल्दी होटल पहुँचेंगे। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा, बट स्टिल पहुँचते हैं और फिर बाकी की चीज़ें कैप्चर करते हैं। भाई पूरी लेक है और पूरी पूरी लेक जमी पड़ी है एकदम बर्फ से पूरी जमी। अब घर का स्ट्रक्चर देखो यार, दिस इज चर्च आई गेस। तो इतने प्यारे वाले स्ट्रक्चर्स हैं ना घर के बने हुए, मेरा प्यारा लग रहा है ना, सारे घर हैं एक स्टाइल। तो यार हम आ गए अपने 411 फ्लोर, असाइन हो गया अपन को। ये हमारा रूम, ओह लाइट्स ऊपर है विद वन किचन। आई सॉ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गाइस। घर से निकले थे कनाडा हैलिफैक्स के लिए और फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं। एक पहली मॉर्निंग भी हुई है अपने यहाँ पर
और मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया। तो भाई ब्रेकफास्ट से ही कहानी स्टार्ट हो गई है कि भाई ब्रेकफास्ट आपको बताइए कि अपना इंडियन वाला टाइप ब्रेकफास्ट तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, अलग ही होगा ब्रेकफास्ट। तो वो चीज़ ली, दिखाऊंगा मैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट में। देन उसके बाद अभी थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं, अपने लेनी है, एक नया सिम लेना है, सिम नंबर लेना है यहाँ के लिए, तो कुछ चीज़ें हैं जनरल जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो लेनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, तो वो लेंगे। और आज के दिन पे क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो हेयर इज बनी विद मी, हाँ बनू आके छींकना चालू हो गया है ना, देखो नोजी भी आ रही है इसकी अभी, और बनी की मम्मा अभी थोड़ा सा लेट के अभी जस्ट वीडियो कॉल में सबकी बात करा रही है, वो सारी चीज़ें कर रही है अपनी साइड से। तो चलो निकलते गाइस फिर बाहर की तरफ कुछ सामान वगैरह लेने। ये जस्ट लाया मैं अभी ब्रेकफास्ट टोस्ट जो कि अपने यहाँ भी हैं, आई एम श्योर ये सब चीज़ें भी अपने यहाँ पर भी मिलते ही हैं। ये फ्रेंच टोस्ट हैं ये वाले, ये इसका नाम मुझे याद नहीं है, बहुत लंबा नाम था यार, कुछ टाटा टाटा करके नाम था, मुझे सीरियसली याद नहीं है कि क्या नाम था, जो लोग यहाँ के उनको ऑब्वियसली वो एक बार में बोल देंगे, बट मैंने ध्यान तो किया था मैं भूल गया। साथ में फिर बनी के लिए हमने चीला बनाया था बेसन का, बिकॉज बनी के लिए सारी चीज़ें ठीक नहीं है तो इसलिए हमने फिर उसके लिए चीला ही बना दिया घर पे। तो अब पेपर और सॉल्ट डाल के कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा बेटा, बनी को खिलाना एक बार। बनी खाओगे? ये नहीं खाता ऐसी चीज़ें। भाई ये कर, एक दोबारा कर सकते हो उसे? हाँ ये करना प्लग। इससे क्या होता है कि जैसे तूने बता दिया कि वहाँ पर वो हो जाए, वॉकिंग का आ जाएगा तो ही हम वॉक करेंगे ना, करेंगे फिर। ये मतलब हर किसी में नहीं, ये जल्दी करने के लिए। फिर अब ये हो गया तो अब मैं वॉक करके क्रॉस कर रहा हूँ रोड, राइट। चलो ठीक है, ये चलो हरीश आ जाओ, केक काटो, बर्थडे का दौड़ में आएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, भाई इतनी बड़ी गार्लिक ब्रेड किसने दुनिया में देखी होगी? ये अपना आ गया जबरदस्त पिज्जा। कहाँ का पिज्जा है मंचु? पिज्जा का पिज्जा है, यहाँ बहुत बेस्ट क्वालिटी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बेस्ट क्वालिटी। पिज्जा ये पिज्जा इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडवे, क्या बात है। तो ये स्मॉल से लेके वो पूरा आगे तक कनेक्टेड है। ये हम कहाँ है अभी? डाउनटाउन। ये डाउनटाउन आ गया यार हम लोग अभी। ओ नाइस, रुक के जाना है यहाँ पर भी क्या?